आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अलग तरह की मिठाई, मिल्क केक। मिल्क केक कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन जो हम बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, एकदम डिफरेंट स्टाइल में हम इसे बनाएंगे। बिना कंडेंस मिल्क, बिना मावा, बिना दूध के सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से इसे बनाकर हम तैयार करेंगे और इसको बनाने में 10 से 12 मिनट मुश्किल से लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और टेस्टी भी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी ये डिश बनानी है तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करेंगे इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फॉर सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गैस पे रखेंगे और यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है, डाल लेते हैं, और साथ ही साथ 3/4 कप पानी लिया है, इसे भी डाल लेंगे। इसकी हमें चाशनी तैयार करनी है, तो लगातार चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट इसे पकाना है और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट इसे पका लेते हैं जिससे अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाएगी। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद 3 से 4 मिनट इसे लो फ्लेम पर हम पका लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है, डाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ केसर के धागे भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं। चाशनी में हमें कोई तार नहीं चाहिए, बिल्कुल चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए, एकदम जैसे शहद चिपचिपा होता है ऐसे ही। अब मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर यहाँ 2 कप लेंगे हम, तो पहले 1 कप डाल लेते हैं। धीरे धीरे ही मिल्क पाउडर डालना है, थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते रहेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाते हुए हमें मिक्स करना है। 1 कप मैंने पहले डाल लिया है, 1 कप मैं और डाल रही हूँ। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मिल्क पाउडर मार्केट में नहीं मिले तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच काजू बादाम का पाउडर लिया है। आप चाहें तो काजू बादाम को बारीक कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार हम 3 से 4 मिनट इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। चलाते हुए ही हमें पकाना है। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच घी लिया है। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा और अच्छी सी शाइनिंग आएगी और ये नीचे तले में चिपकेगा भी नहीं। तो चलिए 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा चिपचिपा लगे तो आप 1 चम्मच घी इसमें और भी डाल सकते हैं। एक से दो मिनट हो गया है, अच्छे से ये पक गया है और पैन छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 केक टिन ली है। आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें बटर पेपर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ नॉर्मल पेपर लगाया, हल्का सा घी से इसे ग्रीस कर लिया है। तो जो मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है उसमें से आधा हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। डाल लेते हैं, अच्छे से फैलाएंगे इसे। देखिए चम्मच से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसमें हमें आधा मिक्सचर ही डालना है, आधे को हम अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे। देखिए ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें फूड कलर मिलाएंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 बूंद फूड कलर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इसको सेट कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने कलर को, बहुत ही प्यारा ऑरेंज कलर लग रहा है ये। अब हम जो मिक्सचर हमने पहले टिन में डाला था उसके ऊपर ही इसको भी हम अच्छे से फैला देंगे, बिल्कुल ऐसे। अगर ये हाथों पर चिपके तो चम्मच के पिछले हिस्से पर हल्का सा घी लगाकर चम्मच से हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ही अच्छा ये
अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या आप ऐसे ही बाहर छोड़ सकते हैं। देखिए एक घंटा हो गया है, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें इसको निकाल लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। पेपर लगाने से ये बहुत जल्दी निकल जाता है। देखिए पेपर को हटा लेंगे, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा ये लग रहा है, एकदम केक जैसा, जैसे केक होता है बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ये लग रहा है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। यहाँ मैंने चांदी वर्क लिया है, अगर आपके पास ओरिजिनल चांदी वर्क है तो आप यूज कर सकते हैं, वरना आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। चलिए मैंने अच्छे से इसे गार्निश कर लिया है, अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपनी पसंद से इसके पीस कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, बड़े या छोटे। देखिए कट करने से पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे से सेट हुआ है, एकदम अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो चलिए यहाँ कट कर लेते हैं अच्छे से। वाओ बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है। देखिए अच्छे से मैंने इसके पीस कट कर लिए हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब मैंने यहाँ थोड़े पिस्ते लिए हैं, तो पिस्ते से मैं इसे गार्निश कर दूँगी। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, जिसे और भी ये सुंदर लगेगा। अब मैं एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ आपको। देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से ये सेट हुआ है, एकदम अच्छे से जमकर तैयार हुआ है, और देखने में बहुत प्यारा भी लग रहा है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। मिल्क केक बनाकर मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। आप भी ऐसे ही डिफरेंट तरीके से मिल्क केक बना सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में या सोशल साइट्स पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है और एकदम टेस्टी है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई है। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक Thanks for watching.